भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, जर्मनी को 5-4 से दी मात, 41 साल बाद कांस्य पदक जीता, कांटे की टक्कर में भारत ने जीता मैच। पीएम मोदी का ट्वीट, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा कर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि जर्मनी की टीम रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता है। टीम इंडिया के इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले ही रही, लेकिन फिर उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल किया था। जर्मनी ने 2 और गोल कर भारत पर दबाव बना दिया, लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। जर्मनी की ओर से तिमुर ओर्ज ने ये फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई थी। टीम इंडिया के पास जवाबी हमला करने का मौका था, लेकिन वो चुक गई। भारत को 5वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन रुपिंदर पाल सिंह गोल करने में नाकाम रहे। रुपिंदर निराश नजर आए। सिमरजीत सिंह ने भारत की ओर से 5वां गोल दागा। यह सिमरजीत का इस मैच में 2रा गोल है। प्रधानमंत्री ने हॉकी टीम को बधाई दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि यह हर भारतीय के लिए यादगार रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, ऐतिहासिक, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-0 से हरा दिया है। आपको बता दें कि 1980 में आखिरी बार भारत ने पदक जीता था। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।